ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ दोनों फ़ोन से साथ में, और लेफ्ट साइड में है रियलमी 5 प्रो, राइट में है मेरा H30 फ्यूजन, और दोनों फ़ोन से मेरी डिस्टेंस एकदम बराबर है इस टाइम पे। और अभी मैं आवाज़ एनेबल करूँगा रियलमी 5 प्रो की, कि रियलमी 5 प्रो में से कैसी आवाज़ आ रही है। अभी मैं आवाज़ एनेबल करूँगा H30 फ्यूजन की, कि H30 फ्यूजन में से कैसी आवाज़ आ रही है। अभी मैं आवाज़ ऑन कर रहा हूँ रियलमी 5 प्रो से। अभी मैं आवाज़ एनेबल कर रहा हूँ H30 फ्यूजन से। ये मैं जब मूव कर रहा हूँ कैमरा, तब आप देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है। ये दोनों में 4K 30 FPS पर रिकॉर्डिंग हो रही है। ये मैं जब मूव कर रहा हूँ कैमरा, तब आप देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है। ये दोनों में 4K 30 FPS पर रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि साउंड में कितना ज़्यादा नॉइज़ है H30 फ्यूजन में, जो मैंने हाईलाइट किया था मोटोरोला को, बट दे डिडंट लिसन। बोले कि दिस इज़ एक्सपेक्टेड एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़ देयर इन ऑल द मोटोरोला फोन, और ये सही है एकदम, इसमें कोई इशू नहीं है, वो ये बोले। एंड ये नाइट मोड इमेजेस हैं कुछ, ये रियलमी 5 प्रो के दो इमेजेस थे जो अभी आपको स्क्रीन पर देखे, क्योंकि लो लाइट मुझे दिखाया, मैंने मैंने उनको बताया था कि लो लाइट फोटोग्राफी बहुत बेकार आ रही है H30 फ्यूजन से, इवन ऑन नाइट मोड और प्रो मोड। तो ये दो फोटोज रियलमी के हैं, जो कि 15,000 का फ़ोन है, 3 साल पुराना, और ये फोटोज़ हैं H30 फ्यूजन के, जो कि 35,000 रुपये का फ़ोन है और अभी लिया है मैंने, और उसमें एंड्रॉयड 12 है, सब कुछ है नया। तो दे हैव टू अपडेट दिस एंड्रॉयड ऐप फॉर कैमरा, अदरवाइज लो लाइट में ये कैमरा इट्स अ डिज़ास्टर। नेचुरल लाइटिंग में बहुत अच्छा है, बट लो लाइट में, नाइट में बहुत ज़्यादा बेकार है। ये नाइट मोड का है, नाइट मोड फोटोग्राफी का ये वाला, तो इसमें तो आप देखो नाइट मोड वाले में तो इसमें इतने ज़्यादा रेड टेंट्स आते हैं, बट वो लोग कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। तो ये सीन है मोटोरोला का इस टाइम पे।